नकल रोकने के लिए बहुत कठोर प्रस्ताव मैंने बनाया था, इसे मैं मानता हूं। जब लेकर वह प्रस्ताव हमारे यूज में थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे सर नकल को तदर कर्नल सिंह जी, वो गए कैडेट में स्वीकृत हुआ, मैं कैडेट में विचार के लिए स्वीकृत हुआ। पहले दिन जब वो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया, हमारे कैबिनेट के सहयोगी जो थे उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन थी, मतों की भिन्नता थी, विचारों की भिन्नता थी। इतना कठोर कानून नकल रोकने के लिए, और साहब इतना कठोर कानून यदि हम लोगों ने लागू कर दिया तो करोड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, और एक बच्चे के परिवार में यदि 5 सदस्य होंगे तो 5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। 2 बार मंत्रिमंडल में वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। फिर मैं जाकर अकेले मैंने कल्याण सिंह जी से मिला और मैंने अपनी इच्छा और अपना भाव दोनों व्यक्त किया। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, कहा ठीक है रहने दे। फिर मैं समझ भी नहीं पाया कि क्या करेंगे, इतने विरोध के बावजूद पारित होगा कि नहीं होगा, यह आशंका मेरे मन में बनी हुई थी। लेकिन जब बृहस्पतिवार या बुधवार को बैठक होती थी संबंधिया, ये बैठक हुई तो चेयर पर बैठते ही प्रस्तावों का जो बंडल था, कैबिनेट के प्रस्तावों का बंडल, बीच से उसको निकाल कर और उन्होंने ऐसे सभी मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने उसको दिखाते हुए उन्होंने कहा, भाई शिक्षा मंत्री जी का आग्रह है, इस पर कोई विचार नहीं होगा, यह प्रस्ताव पारित। शासन चलाने के लिए जो दृढ़ता चाहिए, वह दृढ़ता उस दिन हमने उनके अंदर देखी थी, और उन्होंने इस फैसले से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जाती है। यह संदेश उन्होंने दे दिया था, यह कोई छोटी बात नहीं थी। प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके साथ में भी 32-33 साल की उम्र थी। अब कभी पटाल लगता है कहने में, उनके साथ बैठकर हम लोग कभी, मैं ही आग्रह कर देता था भाई साहब आज ताश हो जाए, वो थे, मैं था, जगत नारायण दुबे थे, हरनाथ यादव थे, तो वो ताश खेलने के भी बैठ जाते थे, 12 और 1 रात भी कभी कभी बैठ जाते थे। श्यामानंद जी बैठे हैं, उनको जाकर श्यामानंद जी आप भी थे उस गोल में, ठीक है। एक बार मैं सदस्य विधान परिषद निर्वाचित हुआ तो रहने की कोई जगह या नहीं थी, तो स्थायी कोई वैसा निवास नहीं था। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह मुझे कहना नहीं पड़ा, आपको हमारे आवास पर रुकना है। कई दिनों तक मैं उनके ही आवास पर मैं रुका, सवेरे उठना जैसा सुतम देव जी बता रहे थे, चाय बनाना, चाय पिलाना, खुद स्वयं करते थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।